कैसे खा रहा हूँ, मत वाह मत बाप रे, देख रहे हो फिर भी लड़ने आ रहा है ये, उसे कवर फाड़ दिया यार इसने, देखा कैसे लड़ने आता है वो, सारा झुंड आ गया यार इनका तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज हम लेट आए थे वॉक करने के लिए, बट बाहर वॉक जब कर रहे हैं ना तो गाइस बहुत सारे बंदर हैं, तो अभी का सीन ये है कि अभी हम यहीं पे जो हमारी नीचे गैलरी है उसी पे वॉक कर रहे हैं, वहीं पे घूम रहे हैं। इसको देखो, इसको देखो कैसे घूम रहे हैं शैतानी, इससे 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 ज़्यादा कोई नहीं करता है। ये देखो शिक्षा के गाइस पेट में भी दर्द हो रहा है, बट वो वाला दर्द हो रहा है गैस वाला ना। कल इसने कौन सी दाल खाई थी, मांस की दाल खाई थी इसने, जिसने मांस की दाल खाई थी उसकी वजह से हो रहा है। नो गाइस, अभी ना दीक्षा के ना पेट में दर्द हो रहा है वही वाला जो गैस वाला, तो अब ये समझ नहीं आ रहा है गैस वाला हो रहा कौन सा हो रहा है, बट इसमें आप समझ ही सकते हो कि क्या सिचुएशन है। तो मम्मी अभी दीक्षा के लिए काली मिर्च की चाय बना के लेके आई है और अपने लिए भी लेके आई है वहाँ से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, हाउ आर यू फैन फैन, हाउ इज योर हस्बैंड नंदन सिंह गड़िया, हाउ इज योर हस्बैंड, गुड, यस 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 बेटा। आपके बहू का क्या हो रहा है अभी, पेट को कैसा दर्द हो रहा है? मैंने कहा गैस तो ही दी बनाऊंगा ना, पूरे पेट में दर्द हो रहा है। हां नहीं वाला तो आते रहूं गैस को, जैन ने पहले बोल के कहा उसको खा बे तो तू ठीक हो गई है क्या पता वो साथ अरे पूरा वो जाते नौ में क्या पता जो को दिन तो मम्मी मान लो दीक्षा के पेट में दर्द नहीं हुआ फिर हमें हॉस्पिटल जाके क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन लगाएंगे, सुई लगाएंगे डेट लग गई हुई पूरे दस लग गए डेट पूरा ले गए फिर क्या बोला सुई लगा जाए वो गर्म सुई लगा जाए वो बच्चा हो गया ऐसे तो कहीं कुछ वो जाएगा यार आज दो दो फिर मैं दर्द मम्मी नौ तारीख की डेट दी है। आपकी आपके हिसाब से डेट कौन सी है? डॉक्टर की डेट तो चलो होती होती है, आपकी कौन सी डेट है? मैं तो सोच रही हूँ नौ, ऐसे नौ और ऐसे होगा तो चलो देखते हैं गाइस मम्मी की प्रेडिक्शन सच होती क्या होती है। यहाँ पे ना इतनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम मस्त हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो थोड़ी देर बाहर एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि पेट में ना गैस हो रही है बहुत ज्यादा, एसिडिटी हो रही है, तो अब समझ नहीं आ रहा कौन सा दर्द हो रहा है, एसिडिटी वाला दर्द हो रहा है या फिर वैसा लेबर पेन हो रहा है, तो थोड़ा देखते हैं वरना शाम तक आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। ठीक है है और आज है वट सावित्री व्रत, तो मैंने इसीलिए सुबह नहा लिया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है आप लोगों को पता ही है। तो आज ना मैंने सुबह कुछ काम भी नहीं किया, नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया, मम्मी ने रोटी बनाई है, सोच रही बनाना शेक बना देती हूँ अकेले, मम्मी बहुत सारे बनाना लेके आई है वरना बनाना ख़राब हो जाएंगे। मम्मी भी यार नई ड्रेस पहन के आई है, देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है लड़की, ब्यूटीफुल कर गई। गाइस आज वट सावित्री व्रत है, आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं व्रत लेती थी पिछले मतलब जब से मेरी शादी हुई है, बट मैं इस बार ले नहीं पाऊंगी क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत लेना इतना मतलब रिस्की होता है क्योंकि बच्चे को भूख लग जाती है ना इसीलिए, पर साड़ी वाड़ी पहनने में तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने मेरी ड्रेस मैंने हॉस्पिटल बैग में डाला था, मैंने सोचा कि ये नया नया सा ही है तो मैं इसको पहन लेती हूँ, तो ये पूजा कर लेंगे फिर हस्बैंड जी की पूजा कर लेंगे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी।
कोजी को बाहर निकाल दो आज आज दर्द दर्द थोड़ा थोड़ा शायद होश हो रहा है ज्यादा रे प्रसादी खाए अरे जय बाबू अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ना इसमें दीक्षा के पेन हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वहां से तुरंत वापस आना पड़ेगा तो बिल्कुल भी मैं मेरा माइंड अभी क्लियर नहीं है तो क्या करूं देखो तो क्या करूँ छुट्टी ले लूं छुट्टी पहचान तो जब मैंने बोला था वहाँ हल्द्वानी करवा लो तो उसमें क्यों नहीं बोल रहे थे कि वहाँ पे पहचान के है या नहीं है खाना पीना तो हो जाता है मेरा कोई बात नहीं हो भगवान दर्द ज्यादा क्या उसका पेन ज्यादा दर्द होगा जैसे भी मतलब नहीं हो रहा तो मैं 40 मिनट तुरंत पहुंच जाऊंगा ठीक है बाबू लव यू। तो गाइस मेरे ना बहुत दर्द हो रहा है मतलब ये लग रहा है एसिडिटी वाला ही दर्द है मम्मी कह रही वो वाला पेन भी हो सकता है तो बस समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्योंकि दर्द खड़े रहने पे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी कह रही फर्स्ट टाइम है ना पता भी नहीं चलता अब देखना थोड़ी देर वरना फिर चलेंगे ना हॉस्पिटल आपको कॉल कर देंगे ठीक है। अब सोच रहे हैं कि अगर नहीं हुआ एसिडिटी वाला दर्द हुआ तो फिर क्या फायदा वरना ना आपकी छुट्टी का क्योंकि बाद में 15 दिन की छुट्टी तो लेनी है इसीलिए ठीक ब्रूनो घर में रहते हमारा बेटा खराब हो गया मम्मी का ख्याल रखना ठीक है देख रहे देख रहा बाबू मेरा मेरा तो आज कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल मतलब पूरी प्रेगनेंसी में पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है मतलब ऐसा मैं पानी भी ना पीऊं इतना अजीब सा मन हो गया है। अभी चेक कर रहे हैं कि इन्वर्टर में हुआ क्या है फिर चेक करनी पड़ेगी कि ब्रूनो को तो हर जगह जाना है हर जगह देखना है कि क्या चल रहा है सीन ही हो रहा है ना अभी मेरा पेन मतलब ठीक है कभी कभी हो जा रहा है मुझे लग रहा है गैस का ही दर्द है शायद तो मैंने आज ना खाना भी नहीं खाया था मतलब मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी खाने का आज पहली बार प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है मैंने खाना नहीं खाया है अगर पेन हो जाता है शाम तक तो ठीक ही है और समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है क्योंकि कभी कभी ठीक हो जा रहा है कभी कभी फिर से बहुत दर्द हो रहा है तो और दिखाती हूँ पता है मम्मी आज सुबह मैंने कुछ काम नहीं किया था नाश्ता वास्ता भी नहीं बनाया था मम्मी ने बनाया था और अभी भी देखो यहाँ पे मम्मी देखो यहाँ पे मेरे दाल चावल लगा के लेके आ गई है पानी रख दिया है मेरी मम्मी है मम्मी कौन सा दर्द हो रहा है पता नहीं कौन सा दर्द हो रहा है तेरा अब कहाँ चल धीरे धीरे चल रही तू तो ये चलने में इतना दर्द नहीं होता था अब चलने में दर्द हो रहा है ऐसा नहीं है यार तो गैस भी निकल रही तो आराम मिल रहा है मम्मी आज कैसे चल रही आज टांग ना खराब दिन के अप्रोक्स बज रहे हैं 3:30 दिन कह लो या शाम कह लो बट मम्मी कह रही हैं कि अगर मैं तेरे लिए अभी हलवा बना देती हूँ गरम गरम चीजें तो यहाँ पे मम्मी को दिखाती हूँ क्या कर रही हैं यहाँ पे मम्मी अभी हलवा बना रही है मम्मी इससे क्या होगा ये गरम गरम चीज है हाँ जो ज्यादा दर्द होगा तो ये फटाफट होगा बड़ों का होना घर पे बहुत जरूरी होता है तो इसीलिए बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मम्मी कह रही पता चल जाएगा हलवा खा के कि कौन सा पेन है तो बड़ी अच्छी आ रही है थैंक यू बुआ जो है मेरी मम्मी हलवा बना दे आपकी याद आती है वो तो गाइस जो ना मम्मी हलवा बना रही है घी में ये हमारी बुआ ने दिया है मतलब मम्मी की ननद ने तो बुआ को थैंक यू सबसे बड़ी कुड़कनी वाली बुआ को थैंक यू हलवा खाएगी और हलवा खाएगी गरम गरम चीज खाएगा देखो अभी फिर दर्द क्या होता है मम्मी दर्द ज्यादा हो जाएगा तो दर्द ज्यादा हो जाएगा वो तो अच्छा है तो गाइस अभी इसमें खाती हूँ
तो गाइस हलवा बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे इसमें नंबर देने पड़े ना तो 100 में से 1000 दे दूँगी, बहुत टेस्टी हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी खाएंगी आइसक्रीम जो ये कल लेके आई थी, कल रात में इन लोगों ने नहीं खाया था, तो मम्मी अभी आइसक्रीम खाने वाली है। ब्रूनो इधर खाने में नजर आ रहा है किचन में। गाइस मेरा ना सर पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हस्बैंड जी सर की मालिश कर रहे थे और साथ में कोई सीरीज़ भी देख रहे थे। मेरा मन नहीं कर रहा था, बस माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो गाइस अभी बज रहे रात के 12, तो अभी दीक्षा का थोड़ा सा पेन तो ठीक है, बट हम कल जाएंगे सुबह हॉस्पिटल 8 बजे, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है इस समय। तो गाइस कुछ ठीक हो, तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए हर हर महादेव।